में ऐसा लगेगा मैं रजाई गद्दे लेकर आया हूँ घर से। आओ थोड़ा सा आगे आओ और आपको दिखाता हूँ। ये भैया यहीं मिले हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं शूट करने में। खूबसूरत लोग ही ये नज़ारा देख पाएंगे। आगे दिखाता हूँ। ओए होए होए क्या ठंडी ठंडी हवाएं हैं बाय गॉड। अगर कोई साथ में होता ना तो अगर मैं यहाँ तक भी आता हूँ मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ खड़े होकर और सामने हिमालय पर्वत देख रहा हूँ। क्यों दोस्तों, और अकेले होने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके ऊपर ना टाइम बाउंडेशन नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे टू व्हीलर पार्क कर दिया है मैंने पीछे की तरफ में। ये पीछे बैरिकेटर लगाया हुआ है यहाँ से ऊपर पैदल चलने के लिए, तो वहाँ से आया था। ठीक है, अभी नेटवर्क वगैरह तो नहीं है यहाँ पे फ़ोन में, और ऊपर चल के आपको बाकी का व्यू दिखाता हूँ। वे टू जॉर्ज एवरेस्ट पीक थ्रिंक 900 मीटर है यहाँ से। भाई साहब अभी तो 1 किलोमीटर चल के आए हैं वहाँ से, अब ये 900 मीटर और है। खैर मुझे ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ने में डर नहीं लगता, एक अच्छी बात तो ये है, और पैदल चलने से तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता। देखो दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं वापस आ जाते हैं, बट मैं वहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है, और काफ़ी हद तक नीचे से ऊपर आ चुका हूँ। काफ़ी लोग हिम्मत छोड़ देते हैं इतना ऊपर आके, इतना पैदल चल के और ऊपर हाइट पे जाने के लिए। तुम्हारा भाई हिम्मत नहीं छोड़ेगा, बेशक से कैमरे की क्वालिटी अच्छी ना हो, थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा हो और आप मैनेज करना, बट वो मैं आपको व्यू दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई इतनी दूर आकर अगर मैं ज़रा सी 1-2 किलोमीटर पैदल ना चलूँ तो बेकार है। कोई बात नहीं, पहाड़ कितने बड़े होंगे यार, कितना ऊंचा जाएगा ये जो रास्ता है ना आगे, जीने जैसा बन गया है सांप सीढ़ी की तरह। बट कोई बात नहीं, डबल भी होगा तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई अपन ने वैष्णो देवी की चढ़ाई करी है, हमें एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, ये रास्ता ये व्यू देखकर कोई भी डर जाएगा, क्योंकि रास्ता इतना छोटा हो गया है यहाँ। दोस्तों जीना शुरू हो गया है और बहुत ख़तरनाक देखने में ये लग रहा है यहाँ से। लिटरली आपको यहाँ से डर लगेगा, और मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ। खैर पूरी जीने जीने हम यहाँ से। दोस्तों दूध घी और एनर्जी खा पी के आना, अगर इतना ऊपर आना ही है तो, है ना। शायद मेरे साथ कोई और होता भी तो वापस चला गया होता, क्योंकि ये बहुत ऊपर है और रास्ते जो हैं यहाँ से देखने में हो बहुत ख़राब लग रहे हैं। यहाँ तो ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, तो इस तरफ मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ देखता हूँ उधर जा रहा है रास्ता, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अलाउ करने वाला है यहाँ पर, बट अच्छी बात है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए बस कि हमने यहाँ इतनी पास आके और ये नहीं देखा। वाह ये लिटरली चढ़ाई है भाई साहब गंदी वाली। ये बादल, वो नीला आसमान, वो पहाड़, वो पर्वत, ये खुशी, ये नज़ारे सब पैसे से ऊपर है। ये एहसास, ये ज़िंदगी जब तक है, जवानी है, तब तक आके महसूस करना चाहिए हमें एक बार। ये भाई तो यहीं से ऊपर चढ़ रहे हैं,
किधर है वाटर? झुक के चल, झुक के चल, झुक के चलने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ बस इतना सा ही रास्ता है। मैं वाटर गिरा दे रहा हूँ। नहीं नहीं यही है, लाऊं? हाँ ऊपर फेंक पाइएगा? नहीं नहीं आ जाता हूँ ना। आइए। सारी मोह माया से दूर, जरा सा सा बस 2 कदम का रास्ता है ये। आप एक साथ, ये छोटी सी बोतल है बस मैं यहाँ रखूँगा, इतना ही बड़ा रास्ता है ये ना निकलने के लिए। इंसान बस पैदल ही चल सकता है यहाँ पे। मुझे पता चला माउंट एवरेस्ट के लिए यहाँ से अपना दूरबीन लेकर आना पड़ता है ना। और खैर काफ़ी अब ऑक्सीजन का लेवल ठीक है यहाँ पे। ओके आप कट कर लेना, मैंने स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों देखो, आपको देखने में ऐसा लगेगा मैं रजाई गद्दे लेकर आया हूँ घर से। आओ थोड़ा सा आगे आओ, आपको दिखाता हूँ। ये भैया यहीं मिले हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं शूट करने में। खूबसूरत लोग ही ये नज़ारा देख पाएंगे, आगे दिखाता हूँ। ओए होए होए, क्या ठंडी ठंडी हवाएं हैं भाई। गोड अगर कोई साथ में होता ना वहीं गिव अप कर देता, कहते भाई इतना ऊपर नहीं आ जाएगा आपसे। तो ये भाई और इनके मित्र गा रहे। क्या नाम है भाई आपका? आयुष। भाई भाई कहाँ से हो? मैं जमशेदपुर से। भाई अच्छा, जमशेदपुर से भाई बैंगलोर अभी घूमने दोस्तों के साथ आए। चलो अभी तो मैं खैर इन्हीं के साथ घूम रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पूरा व्लॉग अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पैसा वसूल लगेगा। ठीक है, खैर तो सही बात है कि पैसा तो कुछ लगना नहीं है यहाँ पे आने का, कुछ खास नहीं, मतलब जिस हिसाब से इंजॉय का लेवल आपको मिलेगा। तो बाइक से आने का फ़ायदा कि मैं यहाँ तक आ पाया, और ये है, ऐसा लग रहा है हम लिटरली चढ़ाइयाँ कर रहे हैं दोस्तों। हाँ 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 लिया लिया मैंने। और आप भी आ गए इसमें जी। तो नंदी जी का भी फोटो आया। तुम्हारी तस्वीर के ये भाई अपना फोटो खींचते हुए हमें दिख रहे हैं, और मस्त व्यू हमें यहाँ से जो मतलब कहीं भी देख लो भाई, आप हम इतने हाइट पर है ना। एक मिनट, वो है हिमालय पर्वत, यहाँ से तो बड़ा क्लियर दिख रहा है ऐसा। कितना है ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, थोड़े पैसे खर्च करना और थोड़ी हिम्मत दिखाना, लेकिन इस जगह जरूर आना। अगर ये पूरा व्लॉग आप एंड तक देखोगे ना, बाय गॉड आपको जो मजा आने वाला है। उधर पीछे हिमालय है, अगर मेरे भैया आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये भाई साहब लोंडे ही लोंडे हैं यहाँ पे, ठीक हिमालय ही है। तो दोस्तों अपना हो गया, अभी वापस चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, लगभग 1.5-2 घंटे यहाँ पे बैठ के मज़े लेने के बाद में दो भाई वो उतर रहे हैं। यहाँ पूरा पूरा खतरा, एक एक कदम रखेंगे दोस्तों। बेशक से आप यहाँ पे चढ़े ना हुए हो, लेकिन उतरने का मज़ा ज़रूर देख लो अब आप। तो अभी वापस जाते हुए यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, वापस उधर थे हम। ठीक है, है ना, तो हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। तो नज़ारा और व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो दोस्तों अभी वापस चल रहे हैं यहाँ से, है ना, और मस्त हवा के मज़े लेते हुए। हाय राम।
लोगों को यहाँ से भेज दिया था जाने के लिए। यहाँ तो अंकल बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे, हमने पूछा कहाँ से है, कहते वो वहाँ से आगे से चल जाओ, वहाँ से रास्ता है। और मुझे भी यहीं से अंकल, यहाँ से पास है, आप बताओ क्योंकि आप ये पास है। नहीं नहीं यहाँ से पास है अंकल, हमें लग रहा है लेकिन थोड़ी चढ़ाई है यहाँ। नहीं ज्यादा ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पास लगेगा अब आपको, लेकिन चढ़ाई है थोड़ी ज्यादा। चढ़ लोगे आप, थोड़ा देर बैठ जाओ। हमें चढ़ने से भी परेशानी नहीं, चलने से भी परेशानी। ठीक है, हमें परेशानी ये है कि आप जो जिस एज पे चल रहे हो, उसके बाद आप ये देख रहे हो नीचे, और बैलेंस बॉडी का किसी भी समय। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ से पास है, फिर भी इनको भी मिसगाइड कर दिया था, इधर से भेज दिया था। हाँ वो देखा मैंने। इधर से आए थे तो सामान वगैरह इधर ही होगा ना आपका, सामान की कोई प्रॉब्लम? अच्छा फिर तो ठीक है, आपके लिए कंफर्टेबल है, आप यहाँ चलो भैया। चलो बड़ी हिम्मत है इधर, इतनी एज में भी अंकल आए हैं घूमने के लिए। मैं जो कह रहा था ये जवान आदमी है, गिरने के बाद भी उठ सकते हैं जल्दी। भाई जो होना था वही हो रहा है कि यहाँ चलते चलते स्लिप हो रहे हैं थोड़े से, और पीछे जो भाई चल रहे हैं उनके तो पीछे से थोड़ा गिर गए वो, मतलब ना। कैसा लग रहा है? लाल तो नहीं हुए ना अभी? नहीं हुए, मजबूत है मतलब। तो यही मैं भाई को कह रहा था कि मैंने कहा भाई सराफत से इस रास्ते से आ जाओ, हम भी आ रहे हैं, लेकिन भाई को करना था एक्सपीरियंस। अच्छा ये भाई यहाँ पे आराम से आए थे, ये भाई पीछे घिसते हुए आए हैं, ऐसा नहीं है आप ही घिसे हो भाई, ये पीछे भी भाई घिस के ही आए हैं। ये चलते चलते घिस गए। नहीं नहीं में एक काम करो, आपको नहीं कह रहा भैया। अच्छा इसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर रहा है। ओहो हो हो कुछ ऐसा ब्लॉग में डाल देना। ना ना ब्लॉग में डाल दे भैया, हम रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है ठीक है। यहाँ से उतर हो गया भाई तुषार। तुषार हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है, ये तुम्हें एडवेंचर करने का शौक है ना अभी। अच्छा तुम्हारे चक्कर में उतरे थे, तुम्हें हम फंसा नहीं पाए अपने जाल में। ओहो, इस बात का हमें खेद है। ये वाला रास्ता ठीक है, बहुत इजी है। हाँ ये बहुत इजी है, वहाँ पे तो लाल हो सकते हैं भाई साहब। ये हेलमेट क्यों उतारना है भाई? नहीं भाई गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं है ना। भाई 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 नहीं 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 मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। कोई इशू नहीं ना, जूतेगा भैया। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा रास्ता मत चलो। ये भाई पहले खुद ज्ञान ले रहे हैं, छोटे वाला खुद करके अब दूसरों को मना कर रहे हैं। अब ठीक है यहाँ से वैष्णो देवी भी करिए तो वहाँ भी घड़ी चढ़ाई होती है। हाँ अभी तो है, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी चीज़ें डिलीट करनी पड़ी मुझे। तो अब ये आएंगे, ये क्या कह रहे थे, किसका है ये? अंग्रेजों के टाइम पे जॉर्ज रहे थे, जॉर्ज वो सर जॉर्ज, सर जॉर्ज अधिकारी थे अंग्रेजों के, उनका रेजिडेंस था यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ से क्या करते होंगे वो यार, पूरे पहाड़ में से समर्स में आ जाते थे ना। अच्छा और ये सब जो लैंप वैम्प लगे हैं ये अभी रेनोवेट हुआ है, वरना इससे ये खंडर बना हुआ था पहले। अच्छा चलो दोस्तों देख पा रहे हो, वैसे ये सब बता रहे हैं भाई अभी बनाया है, भाई 2019 में आए थे यहाँ पे तो। अच्छा अच्छा